हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बेहद खास टेंस जिसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं उसका डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस पूरे इंग्लिश को 60 से 65% तक कवर करती है, तो इसलिए जिस भी स्टूडेंट्स को ये टेंस नहीं आती तो समझो उसको 60 से 65% तक इंग्लिश नहीं आएगी। तो बेहद खास है, बेहद इम्पोर्टेंट है। यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश को सही सुनना चाहते हैं, सही लिखना चाहते हैं, इंग्लिश को सही ढंग से बोलना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना, एक एक बात काफी इंपॉर्टेंट होगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टेंस के दो नाम हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और सिंपल पास्ट भी इसको कहते हैं। तो पास्ट का मतलब है भूतकाल और इंडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित, यानी भूतकाल में कोई कार्य होता है और वो कार्य अनिश्चित है कि कब हुआ, कितना हुआ, तो इस तरह से उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए इसका नाम पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। हाँ, ये निश्चित है कि वो भूतकाल में होता है। तो इस टेंस की पहचान क्या होगी? पहचान, तो वाक्य के अंत में क्रिया होती है, तो क्रिया के अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे या आ ए ई, ये शब्दांश मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, वह दिल्ली में रहता था, तो यहां देखिए ता था आया, ता था, ता था, उसने मुझे पेंसिल दी, तो यहां पे अंत में देखिए द में ई लगी हुई है, ई। उसके बाद देखिए, हम चाचा के साथ बाजार गए, तो अंत में देखिए क्या आया है, ए आया है, ए। और देखिए, शेर ने जंगल में हिरण को मारा, तो इसमें अंत में क्या आया है, आया है। तो इस तरह से आप कितने ही सेंटेंस बना लीजिए, वह दिल्ली में रहता था, ता था आया अंत में, शेर ने जंगल में हिरण को मारा, आ, हम चाचा के साथ बाजार गए, अंत में ए। तो ये निशानी है, ये पहचान है इस टेंस की। उसके बाद सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे, अफर्मेटिव यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी इसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य के बारे में बहुत बता चुका हूँ कि जिसमें प्रश्नवाचक निशान न हो, जिसके अंदर न और नहीं का प्रयोग न हो, वो अफर्मेटिव है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, यानी ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पूरे इंग्लिश के अंदर पास्ट इंडेफिनेट ऐसी टेंस है
जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, और वो भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी सेंटेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लगती है। बाकी किसी भी टेंस में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। तो अब एग्जांपल करके देखिए, वह दिल्ली में रहता था, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? कौन? वह। तो यहाँ ही। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? रहना। और वर्ब को ढूंढने का तरीका मैंने बताया था कि भाई वर्ब क्या है, वाक्य के अंत में होती है, काम या कार्य का बोध कराती है, यानी रहना क्या है? एक कार्य है, तो इसलिए ये वर्ब है, और इस क्रिया के अंत में यानी रहना के अंत में ये ता लगा हुआ है, तो इसलिए इसको लिखेंगे रहना। क्या होता है सेकंड फॉर्म? लिव्ड, ही लिव्ड। उसके बाद ये दिल्ली में, इसको हम ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, बाकी यही बचा है, अब इसको लिख दीजिए। तो में, जैसे मैंने पहले बताया है, हिंदी में जो कारक हैं वो संज्ञा के पीछे लगते हैं, इंग्लिश में हम उनको पहले लगाते हैं, इन, दिल्ली, फुल स्टॉप, यानी ही लिव्ड इन दिल्ली। तो दिल्ली से आगे लगाया है, इसमें दिल्ली से पीछे था, तो इंग्लिश में हम उल्टा करते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा? उसने मुझे पेंसिल दी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन है पेंसिल देने वाला? किसने? उसने, ही। तो उसने, ये कोई लड़का भी हो सकता है, ये कोई लड़की भी हो सकती है, तो ही भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं, यानी उस लड़की ने दी, या ही लिखेंगे तो उस लड़के ने दी, तो ही या सी। उसके बाद वर्ब क्या है? देना, यानी इसके अंदर कार्य हो रहा है, इसके अंदर कार्य हो रहा है, और क्रिया के साथ में ही पहचान जुड़ी होती है, देना क्रिया है और अंत में ई जुड़ी हुई है, तो इसलिए यहां गेव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। उसके बाद अब क्या देखना है? मुझे पेंसिल, यानी इसमें क्या है? दो दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी ये दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। एक तो क्या का उत्तर है, उसने मुझे क्या दिया, क्या का उत्तर तो ये है, और है किसे या किसको का उत्तर ये है। तो मैंने बताया था क्या का उत्तर हो वो भी ऑब्जेक्ट है, किसे का उत्तर हो वो भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले एज ए रूल हम क्या लिखते हैं? हम सबसे पहले जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है, सजीव है, उसको लिखते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, ही गेव मी। और पेंसिल क्या होगी फिर? ए पेंसिल। और नॉन लिविंग को हम पीछे लिखते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फुल स्टॉप, यानी ही या सी गेव मी ए पेंसिल। तो इस टेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है, तो इसलिए वर्ब की फॉर्म आपको याद होनी जरूरी है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए, हम चाचा के साथ बाजार गए, तो कौन? हम, वी। उसके बाद वर्ब क्या है? गए, यानी जाना, तो जाना की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। और एक गो और वेंट के साथ हम टू लगाते हैं। तो उसके बाद देखिए, चाचा के साथ बाजार, अब हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्या या किसको का उत्तर देखिए। तो हम, तो इसमें हम चाचा के साथ गए, हम बाजार गए, तो इसमें बाजार
हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी बाजार को हम क्या कह सकते हैं, मार्केट भी कह सकते हैं। तो वी वेंट टू मार्केट। उसके बाद लिखिए चाचा के साथ, तो के साथ के लिए क्या लिखेंगे, विद अंकल, विद अंकल, चाचा के साथ हम बाजार गई। उसके बाद शेर ने जंगल में हिरण को मारा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, शेर ने, यानी किसने, कौन है मारने वाला, शेर, तो क्या लिखेंगे, लायन, लायन। उसके बाद वर्ब क्या है, मारना, तो इसमें दूसरी फॉर्म किल्ड, किल मैंने मारना, किल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढिए, जंगल में हिरण को, यानी क्या या किसको का उत्तर क्या है, हिरण को, तो यहाँ लिखेंगे लायन किल्ड ए डियर। उसके बाद जंगल में के लिए क्या लिखेंगे, इन फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। तो लायन किल्ड ए डियर इन फॉरेस्ट। तो इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव, यानी नहीं वाले वाक्य। तो नेगेटिव क्या होता है, जिसमें न और नहीं का प्रयोग हो। तो नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद है डिड नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो मैंने बताया था केवल सिंपल वाक्यों में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी में फर्स्ट आ गई, सभी में आएगी फर्स्ट। तो अब क्या है, डिड नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म, यानी फॉर्म बदल गई। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी डिडंट, डिडंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यानी डिड और नोट को यदि मिला के लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, डिडंट, अलग अलग बोलेंगे तो डिड नोट, इकट्ठा बोलेंगे तो डिडंट। तो अब देखना है चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कुछ भी हो, सभी के साथ डिड नोट या डिडंट लगाना है। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे उसने मुझे खिलौने नहीं दिए। तो अब देखेंगे अंत में, देखिए ए आया है और साथ में नेगेटिव आया है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव है। तो रूल हमारे पास है, स्ट्रक्चर हमारे पास है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही या सी, उसके बाद डिड नोट लगाइए या डिडंट लगाइए, उसके बाद वर्ब है देना, तो देना गिव फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद खिलौने और मुझे, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें हम पहले इनडायरेक्ट लिखेंगे मी, सी डिड नॉट गिव मी, और खिलौने क्या हैं, टॉयज, ये प्लूरल है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, बूढ़े आदमी ने सड़क पार नहीं की,
तो यहाँ कै के अंदर ई की आवाज है, यानी कै के अंदर ई है, उसके बाद नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव, तो सब्जेक्ट क्या होगा? बूढ़े आदमी ने, द ओल्ड मैन। नेगेटिव है तो क्या आएगा फिर आगे? डिड नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? पार करना, तो पार करना क्या होता है? क्रॉस। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पार किया? सड़क, क्रॉस द रोड। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक में डब्ल्यू एच वाले हों तो सबसे पहले डब्ल्यू एच, नहीं तो क्या करेंगे? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन से हैं, तो इनके बारे में मैं पहले वाली वीडियो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की है उसमें भी बताया था, उससे पहले सिंपल सेंटेंस की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था। तो प्लेलिस्ट निकालिए और उसके बारे में देख लीजिए कि डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूं। तो एग्जाम्पल देखिए, क्या राधा ने हमें पुस्तक दी? तो ये अंत में देखिए, द में ई की मात्रा है तो ई आया है, प्रश्नवाचक वाक्य है और क्या वाला है, तो इंट्रोगेटिव है, क्या वाला है, पास्ट इंडेफिनेट का है। तो क्या वाला है तो डिड से शुरू करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है कौन, कार्य करने वाला कौन है? राधा। उसके बाद वर्ब क्या है? देना, देना, गिव, डिड राधा गिव। उसके बाद है पुस्तक हमें, तो ये भी दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या दिया? पुस्तक दी। किसको दी? मुझको दी। तो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हैं। तो सबसे पहले हम ये सजीव वाला यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हमें का मतलब है अस और बुक, पुस्तक का मतलब है ए बुक। तो इस तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और देखिए दूसरा, अब ये देखिए, राधा ने हमें क्या दिया? अब मैंने क्या यहां लिख दिया, क्या राधा ने हमें पुस्तक दी, अब है राधा ने हमें क्या दिया। तो यहां देखिए अंत में आ है और साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और है क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य है, डब्ल्यू एच फैमिली वाला है। तो आगे वाला क्या और ये बीच में जो क्या आया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। आगे वाला क्या, इसका आंसर है जो हम हाँ या ना में दे सकते हैं, क्या राधा ने हमें पुस्तक दी, यदि दी है तो कहेंगे हाँ दी है, नहीं दी तो क्या कहेंगे, नहीं दी। इसमें हम हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते कि राधा ने हमें क्या दिया, बताना पड़ेगा राधा ने हमें खिलौने दिए, राधा ने हमें पेन दिया, राधा ने हमें लैपटॉप दिया, राधा ने हमें फोन दिया, कुछ भी बताना पड़ेगा। तो ये यस नो टाइप है, ये डब्ल्यू एच टाइप है। तो इसलिए सबसे पहले डब्ल्यू एच टाइप, तो इस क्या का मतलब है व्हाट, व्हाट। उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राधा। उसके बाद वर्ब है गिव और उसके बाद है
ऑब्जेक्ट हमें, गिव अस, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो व्हाट भी क्या है, ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। तो एक ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहा है, साथ में डब्ल्यू एच फैमिली का भी काम कर रहा है, साथ में ये ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है हमारा ये। तो इस तरह से व्हाट डिड राधा गिव अस, कि राधा ने हमें क्या दिया। अब देखिए फोर टाइप, यानी यदि इंट्रोगेटिव भी है वाक्य और प्लस में नेगेटिव भी है, यानी इंट्रो भी है नेगेटिव भी है। अब इंट्रो आपके पास में है, इसमें नेगेटिव यानी नोट और ऐड करना है, तो नोट हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। अब कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, डब्ल्यू एच हो तो नहीं, डिड सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लेकिन एक तरीका दूसरा भी हो सकता है, यदि डिड के साथ डिडंट इकट्ठा कर दें हम, तो फिर ये सब्जेक्ट से आगे आएगा, यानी डिडंट यदि इसको हम इकट्ठा जोड़ के लिखेंगे तो सब्जेक्ट से आगे आएगा डिडंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस बात को हमेशा माइंड में रखना है। अलग अलग दो शब्द हैं तो नोट सब्जेक्ट के पीछे, यदि हेल्पिंग वर्ब और नोट को जोड़ दिया गया है तो सब्जेक्ट के आगे लिखना है। तो अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या किसान ने फसल नहीं काटी। अब देखिए अंत में क्या है, ई और पर्सन है और साथ में नहीं भी है, तो पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव है, तो क्या वाला है। तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, फार्मर किसान, डिड द फार्मर, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या आता है, नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट, डिड द फार्मर नोट, उसके बाद वर्ब है काटना, तो फसल काटना रीप होता है, रीप फर्स्ट फॉर्म रीप, और फसल क्या है फिर, हार्वेस्ट, रीप हार्वेस्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो डिड द फार्मर नोट रेप हार्वेस्ट। और देखिए मोहन ने शेर को क्यों मारा, तो नेगेटिव भी है, सॉरी इसमें नहीं और ऐड करो, क्यों नहीं मारा, तो यानी अंत में क्या आया है, आ पर्सन है और क्वेश्चन वर्ड वाला है, डब्ल्यू एच वाला है, साथ में नहीं भी है, यानी शेर को क्यों नहीं मारा, मोहन ने शेर को क्यों नहीं मारा। तो अब देखिए डब्ल्यू एच फैमिली है, सबसे पहले वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन ने, मोहन, उसके बाद फिर नेगेटिव है तो नोट लगाइए, वर्ब आएगी फिर किल्ड, सॉरी डिड आया है पहली फॉर्म किल, वाई डिड मोहन नोट किल, और ऑब्जेक्ट क्या है, शेर को किल्ड यानी किल ए लायन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो व्हाई डिड मोहन नॉट किल ए लायन,
तो शेर को क्यों नहीं मारा। तो जैसे ही डिड आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप भी चारों प्रकार के दो दो चार चार वाक्य बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम नोट को आगे लेंगे तो वाई डिडंट ऐसे हो जाएगा, वाई डिडंट मोहन किल ए लाइन। तो यहां नोट को लेंगे डिडंट द फार्मर रीप हार्वेस्ट, कि डिडंट फार्मर यदि कंबाइंड कर देंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार पास्ट इंडेफिनेट टेंस को आप डीपली समझ सकते हैं। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।